SRBS CBSE स्कूल का शनिवार को वार्षिक उत्सव वंदन कार्यक्रम बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि MLC श्याम नारायण सिंह उर्फ विनित सिंह रहे। विशिष्ट अतिथि उमाशंकर सिंह, विधायक बलिया व छत्र बली सिंह, मैनेजिंग डायरेक्टर श्यामधर सिंह, असिस्टेंट मैनेजिंग डायरेक्टर द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। वहीं कार्यक्रम में विद्यालय के बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। बच्चों द्वारा अपने नृत्य व गायन के माध्यम से देशभक्ति से लेकर भारत की संस्कृति को प्रस्तुत किया गया। महिला डिग्री कॉलेज CBSE का यहाँ स्कूल खोला। इस क्षेत्र को वास्तव में तमाम कॉलेज इसके पहले भी बने हैं और हैं, चल भी रहे हैं। इस जगह पे इस कॉलेज की आवश्यकता थी, हमारी बेटियां बने, दूर न जाना पड़े, ऐसे विद्यालय में यहाँ पर आके अपने पठन पाठन का कार्य पूर्ण कर लें। इस मंच के माध्यम से आपको आज जो दर्शाया गया, हमें तो तमाम कॉलेजों का कार्यक्रम हम लोग करते हैं, पहला ऐसा विद्यालय का कार्यक्रम मिला जिसमें हमारे प्यारे प्यारे बच्चों को बच्चियों को पुरस्कार वितरित जो किया गया, एक निर्धारित चेक जो उनको पुरस्कार के रूप में दिया गया, सभी का उत्साह वर्धन करने के लिए जो बच्चे अपनी क्लास के टॉपर थे उनको पुरस्कृत किया गया। इस तरह का पुरस्कार, ऐसा नहीं कि उस पेरेंट्स को इस धन की आवश्यकता, पुरस्कार पुरस्कार होता है। SRBS विद्यालय में एनुअल फंक्शन हुआ है पहली बार, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, किसी भी चीज़ की शुरुआत कहीं से होती ही है, और व्यक्तिगत तौर से मैं अपना जानकारी शेयर नहीं करना चाहता हूँ, स्कूल ही के बारे में बता रहा हूँ। तो मेरी व्यक्तिगत राय है कि देखिए, शहरों में तो चीज़ें उपलब्ध हैं, चाहे आप फाइनेंशियली कहें दे आर मोर स्ट्रॉन्ग स्कूल्स, लेकिन हमारे आउटर इलाके में बच्चों को वो सुविधा नहीं मिल पाती है। और एक टर्म होता है पढ़ाई, मतलब शिक्षा जगत में होलिस्टिक डेवलपमेंट, और हमारा जो ट्रेडिशनल सिस्टम हुआ करता था उसमें हम केवल पढ़ाई पे ध्यान देते थे, लेकिन अब हमारे पढ़ाई का सिस्टम चेंज हो गया है। जैसे गवर्नमेंट ने भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई है, उसमें बच्चों की केवल मानसिक विकास ही नहीं, मानसिक इन द सेंस पढ़ाई ही लिखाई नहीं, उनके शारीरिक विकास, वो कैसे सोचते हैं, उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसा होता है, हर चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है। देखिए, सबसे बड़ी समस्या ये, हमको इतने दिन से हम शिक्षा जगत में, हमको ये समझ में आता है कि हमारे जो रूरल बेल्ट के बच्चे होते हैं वो बहुत मेहनती होते हैं, लेकिन उनकी जो स्किल्स होती है उसको पॉलिश नहीं किया जाता है। जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए कि आज का समय है कि केवल आप पढ़ाई में अच्छे हैं और आपकी पर्सनालिटी डेवलप नहीं है, तो आगे चल के आप बच्चों को समस्या आती है। वो सब मेहनत करते हैं, पढ़ने में मैथ्स में अच्छे होते हैं, साइंस में अच्छे होते हैं, वो रिटन क्वालिफाई भी कर लेते हैं, लेकिन जब वो इंटरव्यू में जाते हैं तो हेजिटेट करते हैं। क्या, जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, हम ही लोग के स्कूल में है, इस बेल्ट में जैसे कि असेंबली वगैरह होती है, तो हम लोगों ने नियम बनाया कि हर बच्चे को असेंबली में किसी न किसी दिन बोलने का मौका मिले। जैसे एक टर्म होता है स्टेज फोबिया, स्टेज फोबिया में होता क्या है कि बच्चा हो सकता है बहुत जानकार हो, लेकिन वो जब स्टेज पे जाता है ना, तो उस समय एक डर होता है, भय होता है, वो बेचारा कुछ बोल नहीं पाता है, उसके ओठ तो मैंने हिलते हैं लेकिन आवाज़ नहीं निकलती है। तो यही होलिस्टिक डेवलपमेंट है कि बच्चे को हर तरह से हम तैयार करें कि आने वाले फ्यूचर में जो और स्ट्रगलिंग है, जैसे हम लोग देखे होंगे कि हम लोग के माता पिता थे, ठीक है, पढ़ते लिखते थे, एक अच्छी नौकरी पा जाते थे या जो भी अपना रोजगार करते थे,
लेकिन आज के डेट में आप पढ़ लिख लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग बहुत स्ट्रगल करते हैं। तो जिस हिसाब से हमारे देश की जनसंख्या बढ़ रही है, आने वाले समय में लगता है कि हमारे आगे वाली जनरेशन के लिए और ही कॉम्पिटिटिव समय हो जाएगा। तो इसलिए हम अपने बच्चों को उस कॉम्पिटिशन के लिए आज से ही तैयार करें, ये मेरी व्यक्तिगत राय है।